नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरे पास में नेक्सॉन है, नई वाली नेक्सॉन है। ये जो आप देख पा रहे हैं पेट्रोल है, ये वाली डीजल है। हर एक चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ कि नई नेक्सॉन में क्या क्या नया है। ये वैसे एक जनरेशन चेंज नहीं है, मतलब कोई चैसी या इंजन में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन फिर भी टाटा ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी एक फेसलिफ्ट के लिहाज से। हर एक चीज़ की बात करते हैं, क्या क्या बदलाव हुए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। चलो, 7 साल पहले जब मैं वीडियो में कहता था कि बिना सेफ्टी फीचर्स की गाड़ी मत खरीदो, तो लोगों का रवैया ये था कि पैसे कौन देगा इनके, या ABS से ब्रेक नहीं लगते हैं इत्यादि। कट टू 2023, आज 50% से ज्यादा बायर सेफ्टी के बारे में अवेयर हैं, और इस बदलाव का एक बड़ा कारण है टाटा और उनकी नेक्सॉन। यही वो गाड़ी है जिसने सेफ्टी रेटिंग्स को पॉपुलर किया, यही वो गाड़ी है जिसने मजबूत स्ट्रक्चर को प्रमोट किया। हालांकि ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कि इस गाड़ी में मिसिंग थे। देखते हैं इस फेसलिफ्ट के साथ में वो सही हुए हैं या नहीं। ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदली है, वैसी की वैसी चाबी जो है आपको देखने को मिलती है जैसी हमने बाकी टाटा कार्स में देखी है। लॉक अनलॉक अगर आपको गाड़ी लोकेट करनी है तो हेडलाइट जल जाएगी, और ये बूट अनलॉक आपको करना है तो वो यहाँ से आपके हो सकता है। अब कई चीज़ें जो है वो बदली, उनकी शुरुआत यहाँ पे होती है। बहुत सारी चीज़ें फ्रंट में चेंजेस है, अंदर इंटीरियर में चेंजेस है, एक्सटीरियर में चेंजेस है, कॉस्मेटिक के मामले में। फीचर में तो है जो है ही, तो सबसे पहले जो है फ्रंट में क्या क्या चेंजेस की बात करते हैं। ये देखो आप यहाँ पे, ये DRLs आपको दिख रही है पूरा एकदम। ना सिर्फ DRL में एक अलग तरीके का पैटर्न है, बल्कि जो अपना वो जलता है इन हज़ार लाइट या सिग्नल जलाओगे तो भी सीक्वेंशियल तरीके से जो है वो सिग्नल जलते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखी है। उसके बाद में इधर आपके पास में ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है जिसमें दोनों फंक्शन है, लो बीम हाई बीम। नीचे जो है ये आपके पास में फॉग लैम्प है, आइस क्यूब फॉग लैम्प, जैसा आपने सोनेट में पहले देखा था उसमें खड़े थे, इसमें ऐसे टीढ़े लगे हुए हैं। वो फॉग लैम्प जो है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, और ये कॉर्नरिंग लैम्प जो है उस तरीके से भी काम करते हैं। हेडलाइट मैंने रात को ऑनेस्टली चला के नहीं देखा है, बट रात को हमने गाड़ी जरूर देखी थी, और खड़ी गाड़ी में हेडलाइट जो है थोड़े बहुत दूरी की थ्रो में काफ़ी बढ़िया लग रहे थे, बट अब जब चला के देखेंगे तब उसके बारे में ज़्यादा बेटर बात करेंगे। यहाँ पे टाटा का लोगो लगा हुआ है। इधर आपके पास में जो है 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा है। जी हाँ, 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, और आपको जो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो भी मिलते हैं। हालांकि गाड़ी में कई ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ टॉप एंड मॉडल में ही मिलते हैं, उससे नीचे के मॉडल में नहीं मिलेंगे, बट फिर भी जो है जो टॉप एंड है मेरे पास में अभी तो वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लोअर एंड होगा तो उसके बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद में साइड में टायर साइज़ जो है वो अभी भी वही है, 215/60/16। अब ये 16 इंचज के जो व्हील्स हैं ये ज़रूर अलग हैं, थोड़ा सा इसमें प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया। ये वाला प्लाट, ये जो देख पा रहे हो ये वाला प्लास्टिक का है, इधर वाला इतना सा ही है, और ये बाकी जो है मेट अलॉय ऑब्वियसली दिया हुआ है। अच्छा लगता है, व्हील की डिज़ाइन जो है अच्छी है, लेकिन जो अलग अलग वेरिएंटों में अलग अलग टाइप की डिज़ाइन आई, और टाटा ने सारे वेरिएंट्स के बारे में हमें बताया जरूर है, हालांकि उसके बारे में कुछ फुटेज वगैरह नहीं दी यूज़ करने के लिए, बट हमें देखने को मिले थे और डिसेंट लग रहे थे सारे ही वेरिएंट। ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं आ रही थी, लोअर ट्रिम ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बेस ट्रिम है तो दिख रहा है बेस ट्रिम टाइप, वैसा फीलिंग नहीं आ रही। टायर भी अच्छा चूज़ किया गया, ब्रिजस्टोन टूरानजा इस पर लगे हुए हैं, TE001 यहाँ पे है। उसके बाद में उस साइड में आता हूँ। एक तो टाटा ने अभी ये जनरेशन चेंज नहीं है तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, बट ये एक वाइपर आज तक नहीं सुधरा उनसे फर्स्ट नेक्सॉन के टाइम से जो है। उस टाइम थोड़ा सा और ऊंचा हुआ करता था, अभी थोड़ा सा नीचे जरूर हो गया है, बट ये वाइपर जो है आज भी उसे प्रोट्रूड होता हुआ रहता है। इधर से जो है आपके पास में 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा यहाँ है, इधर इंडिकेटर जो है वो आप इस पर माउंटेड देख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। साइड से नेक्सॉन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर से ही लगती है, थोड़ा सा इधर चेंजेस जरूर लगते हैं, और नेक्सॉन का वो एक कूपेश टाइप का डिज़ाइन जो है वो अभी भी बरकरार है। उसके बाद में पीछे की तरफ मैं आता हूँ, यहाँ पे आपके पास में फिर से नई चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है वो है ये टेल लाइट। अभी टेल लाइट जो है अगेन वो भी इस तरीके से जलती है, थोड़ा सा एक पैटर्न यहाँ पे आता है, रात में बहुत सुंदर लगती है। अब आप कह सकते हो ये कर्व इंस्पायर्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट आपको कई लोगों को ये भी लग ही रहा होगा कि ये i20 से भी थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड जो है यहाँ पे लाइट लग सकती है आपको। इधर देखो सीक्वेंशियल तरीके से जो है ये इंडिकेटर जो है जलते हैं, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। गाड़ी में रियर फॉग लैम्प और रियर लाइट यहाँ पे दी हुई, ये वाला लाइट जलती है। रियर फॉग लैम्प वगैरह होना जो है वो एक्चुअली अच्छी चीज़ है। उसके बाद में रिवर्स सेंसर जो है पार्किंग सेंसर वो भी दो दिए हैं। अब देखो फ्रंट में तो एडिशनली है तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था, बट रिवर्स में दो दिए जाना एक ऐसा कॉस्ट कटिंग है जो कि ये Hyundai से सीख के आ गए, वो लोग 3 देते हैं ये लोग 2 ही देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पास में रिवर्स कैमरा जो है वो प्लेस्ड है, और आपको बूट अगर खोलना हो तो यहाँ पे यूजुअली आप सोचोगे कि इस जगह मेटल खत्म हो रहा है तो इस जगह कहीं सर्च करोगे, बट एक्चुअली यहाँ से खुलता है और बूट जो है पूरा वहीं से लिफ्ट होता है। ये आपके पास में बूट खुला, बूट स्पेस मोर और लेस सेम ही है पहले था जैसा आप देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे सब वूफर जो है वो आ जाता है इस जगह पे, तो उस वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। ये करंटली मैनुअल वर्जन है तो इसमें सब वूफर नहीं है, जो मैं आपको ऑटोमेटिक दिखा रहा था उसमें सब वूफर है, अभी वो भी
वीडियो में आपको दिखाई दूंगा। यहाँ पे आपके पास में 12 वोल्ट जो है वो यहाँ पे देख पा रहे हो, उसका लाइट मतलब सिगरेट लाइटर बोलो या कुछ बोलो, बेसिकली 12 सॉकेट यहाँ पे लाइट दी गई है 3 kg तक का। यहाँ पे कुछ हुक आप कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और ऑब्वियसली इधर इधर जो है वो भी कर सकते हैं। स्पेयर टायर आपको एलॉय नहीं मिलता है, वो आपको स्टील मिलता है और वो आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ यहाँ पे प्लेस्ड है। ये हमने कर दिया बंद इसको और बूट कर दिया हमने बंद। अभी भी देखो तो पैनल गैप्स वगैरह तो अभी भी बरकरार ही है, हल्के फुल्के थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट, देखो बाकी सब ठीक है। लाइट वगैरह का मिसअलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आते आते लाइट जो है वो एकदम से अलग डायरेक्शन में ही चली जाती है, ऐसे ये अलाइन नहीं होते हैं। ये चीज़ें अब मतलब इनिशियली जब नेक्सॉन प्रोडक्ट आया था तो आई स्टिल रिमेंबर मेरे फर्स्ट वर्ड्स ये थे कि फॉर द फर्स्ट जनरेशन जिस तरीके से वो प्रोडक्ट फॉर मतलब बिना फेसलिफ्ट बिना कोई मिड साइकिल अपडेट वगैरह के निक्सॉन बहुत ही मैच्योर प्रोडक्ट था टाटा की ओर से। बट अब उस बात को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, 2013 में हमने पहली बार उनको काम करते हुए देखा था, 2017 में प्रोडक्ट आ गया था, तो उसके बाद में जो है डेफिनेटली कई चीज़ें अब तक इम्प्रूव हो जानी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा केस जो है वो नहीं है। एनीवे अंदर चलते हैं, अंदर बहुत चेंजेस दिए हैं टाटा ने और कुछ कुछ चेंजेस जो हैं वो उल्टे पड़ रहे हैं, तो सब की बात करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें कैसी हो रही है। चलो चालू करते हैं। ये भैया डीजल इंजन है तो उसकी आवाज़ आप देख पा रहे हैं, इंस्टेंटली आपने नोटिस कर लिया होगा। जी हाँ, इल्यूमिनेटेड लोगो आता है, काफ़ी सही लग रहा है इल्यूमिनेटेड लोगो और कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ऐसे डिस्प्ले टाइप लगता है पूरा, पर डिस्प्ले नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये लोगो है जिसके पीछे से लाइट जलती है तब वो दिखने लगता है, अदरवाइज तो दिखता नहीं है। दरवाज़ा कर लिया है मैंने बंद, सीट कर लेता हूँ मैं पीछे ताकि मैं जो है बाकी चीज़ों की बात कर पाऊँ कि क्या कुछ चीज़ें कहाँ कैसी फील हो रही है, कैसी लग रही है। किधर से शुरुआत करें, एक्चुअली इधर से शुरुआत करते हैं, बट मैं पहले एसी जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, इसका ब्लोअर की स्पीड थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ, वरना शोर शराबा इतना होगा कि आप मुझे ढंग से सुन नहीं पाएंगे। इधर से शुरुआत करते हैं। प्लास्टिक वगैरह अब भी वैसे ही क्वालिटी का है, लेकिन अब थोड़ी सी बेटर डिज़ाइन होने लगी है। ये थोड़ा सा अप्रिशिएट मैं टाटा को इस चीज़ में करूँगा कि वो इंटीरियर वगैरह का लेआउट उन्होंने बिना जनरेशन चेंज किए जो है जिस तरीके के चेंजेस उन्होंने लाए हैं फेसलिफ्ट में वो एक्चुअली अच्छे लगने लगे हैं, जो कि एक अच्छी बात है इसके बारे में। हालांकि प्लास्टिक का जो टेक्सचर कई जगह इस्तेमाल किया गया वो आज भी बुरा लगता है, कुछ कुछ एजेस पे जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शार्प है, इतनी शार्प है कि अंगुली कटने जैसे चांसेस होते हैं यहाँ पे स्पेशली। और ये चीज़ें जैसे आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी फिनिशिंग प्रॉपरली नहीं है और ये चीज़ें कंटिन्यू होती है इस तरफ भी, इनफैक्ट जो सीट एडजस्टमेंट है वहाँ पे भी वो चीज़ें कंटिन्यू होती है, तो वो चीज़ें। हालांकि जैसे कि लास्ट टाइम मैंने पॉइंट आउट किया था कि ये बटन जो है बहुत ही अजीब सी क्वालिटी का था, एक साइड दबाने में दबता था, बीच में दबाने से नहीं दब रहा था, ऐसा था जब पहले वेंटिलेटेड सीट का बटन आता था, अब उसको चेंज किया गया। हालांकि जब मैंने टाटा को पहली बार बोला था इसके बारे में तो वो बोल रहे हैं ये आप फालतू में जो है नुक्स निकाल रहे हो ये वो, इनफैक्ट टाटा के फैन बॉय जो है वो भी ये कमेंट करते थे, बट टाटा को पता था कि प्रॉब्लम तो है तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपके पास में जो है वन टच अप डाउन, सारे पावर विंडोज इल्यूमिनेटेड नहीं है, ये आपके पास में चाइल्ड लॉक जो है वो ऑन करने का है। यहाँ पे स्पेस है, चीज़ें रखी जा सकती है, ऐसा स्पेस हर कंपनी को देना चाहिए। कई कंपनी जो है वो सीधा ऐसा खाली देती है जो नीचे से निकल जाता है, स्पेशली मारुति आई गेस वो ऐसा नहीं देती है, बट वो देना चाहिए, बढ़िया चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद में इधर आपके पास में बॉटल रखने की जगह है इस तरफ, यहाँ पे आपके पास में अम्ब्रेला रखने की जगह जो है वो दी गई है और इधर थोड़ा सा स्पेस और दिया गया है। JBL का स्पीकर सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं करता हूँ बंद। यहाँ पे आपके पास में जो है मतलब इधर कोई बटन नहीं है, नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है, बस आपके पास थोड़ा सा कभी स्पेस है सामान रखने का। इधर आपके पास में है ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, यहीं पे आपके हेडलाइट लेवलिंग स्विचेस है। फॉग लैम्प जो है उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया उसकी मैं बात बताता हूँ। फॉग लैम्प कहाँ पे, पहले मैं इसको ऑटोमेटिक पर डाल देता हूँ, उसके बाद में इधर आपके पास में अवेलेबल है इन सारे रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह। और उसके बाद में अगर आप एक चीज़ मैंने पहले बोली थी आपको याद होना हो, ये काफ़ी दूर पड़ते हैं हाथ से। जी हाँ, अभी भी प्रॉब्लम बरकरार है, थोड़े से नज़दीक है नेक्सॉन में, कुछ कुछ गाड़ियों में और दूर है, बट स्टिल इट्स वेरी फार, कन्वीनियंटली प्लेस नहीं है, थोड़ा सा नज़दीक इनको प्लेस किया जाना चाहिए ताकि प्रॉपरली हाथ में हो आए। अभी अंगुली आपको काफ़ी नीचे करनी पड़ती है तब जाके वो हाथ में आते हैं। एनीवे दैट इज़ नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टीयरिंग, 2-spoke का जो स्टीयरिंग है काफ़ी नया है, काफ़ी अच्छा लगता है, तब तक अच्छा लगता है जब तक आप यूज़ नहीं करते, यूज़ करते हैं आपको एक प्रॉब्लम रियलाइज़ होती है, वो ये कि मैं जब भी यहाँ पे हाथ रखता हूँ मेरे हाथ से ये बटन दबता है, देखो आपने वहाँ पे भी कुछ हुआ। और अगर आप ऑन कॉल हो तो सच में कई बार कॉल होल्ड पे चला जाता है और आप वेट करते रहते हो क्योंकि अगला बंदा चुप क्यों हो गया, फिर आपको रियलाइज होता है कॉल होल्ड पे है, कैसे होल्ड पे हुआ कि आपने प्रॉब्ली कहीं टर्न वन लिया और ये हर बार दबता जा रहा है। सिमिलर इज द केस ऑन दिस साइड हल्का सा, बट फॉर सम रीज़न ये बटन कम दब रहा है क्रूज कंट्रोल वाला, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, पता नहीं ये बटन कम क्यों दब रहा है, ये बटन ज़्यादा क्यों दब रहा है, मे बी मतलब मेरे तो ऐसा हाथ भी बड़े नहीं है, ऐसा मीडियम साइज़ की मैं कहूँगा। बट एनीवे क्या क्या बटन आते हैं आपके पास में, यहाँ पे कॉल के बटन आते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉल्यूम अप डाउन, वॉल्यूम म्यूट, यहाँ पे ट्यूनिंग आपको चेंज करनी है तो, यहाँ पे कॉल काटने का, यहाँ पे वॉइस कमांड देने का बटन जो आता है, वॉइस कमांड जो है ये थोड़ा सा बटन
अटक गया। देखो ये बहुत ही क्वालिटी ना, आपको दिख रहा है अब? हाँ, वॉइस कमांड काम तो किया एक बार, थोड़ा सा ये मतलब है, अब ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आएगी आपको। उसके बाद में इधर आपके पास में जो है ये MID वगैरह जो है, उसमें MID 10.25 इंच की एकदम प्रॉपर, थोड़ा सा ऐसा लगता है डीप बहुत ही ज़्यादा नीचे चली गई है, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे नहीं गई है, दिखने में ऐसा इल्यूजन टाइप का है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्क्रीन ओवरऑल जो है यहाँ पे है। इनफैक्ट इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिरर होकर यहाँ दिखता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर मैं अपना फ़ोन जो है कनेक्ट कर लूँ, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, तो इस गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वो यहाँ पे मिरर होता है। उस पर हम बाद में आते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये जो है आपको कंट्रोल दिए गए हैं वो समझ लो पहले। यहाँ पे जो है MID टॉगल करने का काम आता है, इधर आपका क्रूज कंट्रोल वगैरह से स्विचेस है। ये व्यू जो बटन है, जिससे क्या होता है, बेसिकली तीन अलग अलग टाइप के व्यू है, एक डायल वाला व्यू, यहाँ पे आपके पास में बिना डायल का व्यू, यहाँ पे आपके पास में ड्यूअल डायल का व्यू जो है वो आपको आता है। तो एक डायल इधर हो गया, एक डायल इधर हो गया, तो ये जो व्यू है वो आते हैं। उसके बाद में अब जो है प्रॉपर MID क्या कैसे दिख रही है उसकी बात करता हूँ मैं, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे भी जो है, ये हमने कर लिया जूम इन। यहाँ पे जो है MID में क्या क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले मैं डायल व्यू जो है यही रखता हूँ। अगर आप देखोगे तो इधर नोटिफिकेशन है, इधर सेटिंग्स है, सेटिंग्स में अगर अंदर जाएं तो डायल का व्यू क्या होना चाहिए, जो व्यू बटन है उसकी जगह यहाँ से भी सेट कर सकते हो, फेवरेट्स, मेन्यू, इल्यूमिनेशन, अबाउट, ये सब चीज़ें। अब इल्यूमिनेशन तब चालू होगा जब आप एक्चुअली लाइट आप जो है ऑन करेंगे, लाइट ऑन नहीं होगी या ऑटोमेटिक पे होगी तो इल्यूमिनेशन जो है ऑन नहीं, मतलब इल्यूमिनेशन सेटिंग आप देख नहीं पाओगे। उसके बाद में और कुछ नहीं है, अबाउट है यहाँ पे, उसके अलावा कोई सेटिंग्स ऐसा जो है वो नहीं है। मेरा ये वाइपर चालू हो गया, पता नहीं कैसे, ओके हाँ ऐसे वाइपर चालू हो गया था रियर वाला। एनीवे, तो यहाँ पे जो है उसके बाद में आपके पास में दूसरी तरफ RPM जो है वो बीच में आप देख पा रहे हैं, जो मैंने प्रेस किया तो आप देख रहे हो RPM ऊपर नीचे बढ़ रहे हैं। इस तरफ आपके पास में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिकली डिस्टेंस टू MT से रिलेटेड है, कि कितना डिस्टेंस टू MT क्या वगैरह चीज़ें हैं। इधर आपके पास में कूलेंट टेम्परेचर, यहाँ पे जो मोड है वो दिख रहा है आपको, सिटी मोड करंटली है, मैं मान लो इकोनॉमी पे डालता हूँ तो इकोनॉमी ड्राइव मोड जो है वो एक्टिवेट हो गया है, आवाज़ नहीं आई है, मैं उसका वेट कर रहा था, लेकिन मैंने आवाज़ जो है सेटिंग्स में से बंद कर दी थी, क्योंकि अच्छी बात है। और उसके बाद में यहाँ पे स्पोर्ट मोड अगर आप डालते हो तो वो चेंजेस वगैरह यहाँ पे आपको दिखने लग जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें रही नहीं, मैं आपको एंड्रॉइड ऑटो जब मैं दिखाऊंगा तो मैं आपको जो है एंड्रॉइड ऑटो के बारे में मतलब वो भी बता दूंगा कि वहाँ पे वो कैसा दिख रहा है। बाय द वे यहाँ पे जो है कंपास भी दिखाता रहता है ऊपर के वेस्ट में, वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। और आउटसाइड टेम्परेचर 47 डिग्री, एक्चुअली इतना तो गर्म नहीं है, बाहर पता नहीं 47 डिग्री क्यों दिखा रहा है, प्रॉब्ली टेम्परेचर सेंसर जहाँ प्लेस है वहाँ पे ऐसा हो रहा है। 47 डिग्री तो डेफिनेटली टेम्परेचर नहीं है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में ये ऊपर नीचे होता है, हाँ ये आपका स्टीयरिंग जो है उसका एडजस्टमेंट है। अब आप ये टेलीस्कोपिकली जो है एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिल रहा है। एक्चुअली मुझे लगा था टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आता है, बट इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आता है। और फ़ोन आ गया, ओके तो फ़ोन मैंने काट दिया और एंड्रॉइड ऑटो जो है वो मैंने चला दिया। हालांकि ये प्री प्रोडक्शन हार्डवेयर, नॉट फॉर रीसेल दिखा रहा है, हमने ये महिंद्रा की भी कई गाड़ियों में देखा था काफ़ी टाइम तक ऐसा दिखा रहा था, बट ये शॉर्ट हो जाएगा जब राइट्स खरीद लेगा टाटा एंड्रॉइड ऑटो के, तब वो चीज़ें शॉर्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे जो है वो आपको दिखता है, अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे दिखा रहा है, हालांकि इतना सही नहीं दिखता है इस जगह पे, तो आप व्यू चेंज करके जब बीच में लाएंगे तो थोड़ा सा बेटर और सेंसिबल आपको लगने लगेगा, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। उसके दो रीज़न है, पहला तो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो आप यहाँ देखने में और आगे पीछे देखने में, दूसरा रीज़न ये कि जब आप एंड्रॉइड ऑटो पे मैप्स यूज़ कर रहे हो, मान लो किसी और को कुछ और करना है गाड़ी पे, लेट से वॉल्यूम एडजस्ट करनी है, कुछ भी करना है, तो आपका मैप का व्यू हिंडर नहीं होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कूडोस टू टाटा जिन्होंने ये दिया है। प्रॉब्लम क्या है जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ कुछ चीज़ें लग रही है प्रॉब्लम को इनवाइट कर लिया, वो ये कि ये स्क्रीन हमारे सामने जो है दो बार बंद हो चुकी है, दो अलग अलग गाड़ियों की। इसकी एक बार बंद हुई जिसमें मैं बैठा हूँ, और जो पिछली दूसरी गाड़ी है पर्पल वाली जो कि पेट्रोल है, उसकी दो बार बंद हो चुकी है। नॉट जस्ट दिस, ये वाली स्क्रीन जो है वो भी दो बार काम करना बंद कर गई थी। रिवर्स में डली हुई है गाड़ी, रिवर्स में, मैंने उसमें भी ले लिया है वीडियो था। 360 वाला बटन दबाओ, कुछ नहीं हो रहा, तो वो भी अपने आप में प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मुझे लगता है थोड़ी 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 आती रहेगी। इन पे खैर मैं बाद में बात करता हूँ, फिलहाल जो है ये मैंने एक्चुअली पूरा दिखा दिया है, तो हम स्क्रीन पे ही आ जाते हैं। स्क्रीन की तो अब बात करनी है भैया, बाद में क्या बात करनी है। ये मैं आपको ऐसा एंगल दिखाता हूँ जिससे आपको रिफ्लेक्शन ज़्यादा नज़र ना आए,
और मुझे भी चीज़ें नज़र आए। हाँ जी, तो आई होप आप ज़्यादा रिफ्लेक्शन वगैरह जो है वो नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है स्क्रीन बहुत ही बढ़िया है, 10.25 इंच की स्क्रीन, ओवरऑल यूआई वगैरह काफ़ी मॉडर्न लग रहा है। अनलाइक टाटा की कोई भी कार जो अब तक हमने देखी हो, ये स्क्रीन बहुत ही सुंदर, बहुत ही सही लग रही है। क्वालिटी जो है स्क्रीन की वो भी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट क्वालिटी से ज़्यादा है जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है। 3D में जब जाएंगे तो आपकी गाड़ी का कलर ज़रूर सिर्फ सिल्वर ही दिखाई देगा, लेकिन वो छोड़ो, वो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी वगैरह जो है वो उसकी दिख रही है, उसमें कोई भी शिकायत सच नहीं है। वह वापस जो है स्क्रीन पे लौट आते हैं, क्या कुछ चीज़ें स्क्रीन में आपको देखने को मिलती है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले, अमेजॉन एलेक्सा, AQI, जी हाँ, एयर प्योरीफायर जो है मिलता है, उसका AQI इंडेक्स वगैरह सब यहीं दिखाता है, पहले भी आता था बाय द वे एयर प्योरीफायर। क्लाइमेट कंट्रोल, क्विक सेटिंग्स, फोन सेटिंग, मीडिया, इमेज व्यूअर, रेडियो सेटिंग्स, शेयर माई लोकेशन, साउंड डेमो, सराउंड व्यू, टाटा असिस्ट, वॉइस असिस्टेंट, वॉट थ्री वर्ड्स साउंड, ये शेयर माई लोकेशन बेसिकली टाटा की जो ऐप है उससे काम करता है, सराउंड व्यू बेसिकली 360 डिग्री कैमरा का नाम है। और अब मैं आपको सेटिंग्स में लेके चलता हूँ। ऑडियो कनेक्टिविटी, ड्राइवर असिस्टेंट, HMI, ड्यूटल फोन सेटिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट, व्हीकल वॉइस असिस्टेंट। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ऑडियो में जो है आपको मिलेगी वो ये कि आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सेट कर सकते हो। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, आपको JBL जो है सिस्टम का एक अलग से सेटिंग जो है वो भी दी जाती है, जो कि एक्चुअली कहाँ पे गई भैया, इसकी एक अलग से JBL की सेटिंग्स थी जो कि शायद बाहर ही है, क्योंकि मैंने देखी थी यार कुछ तो JBL की अलग से सेटिंग्स थी। सॉरी, मैं डीजल वाले वेरिएंट में आ गया हूँ, जो पेट्रोल में सब ऊपर वाला JBL वाला है उसमें थोड़ी सी सेटिंग एक्स्ट्रा आती है, वो मैं अभी आपको अलग से दिखा दूंगा। सॉरी, मैं यहाँ पे डीजल मैनुअल में नहीं, बेसिकली मैनुअल में नहीं आएगा, सिर्फ ऑटोमेटिक में ही जो है वो सिस्टम आएगा, यानी कि AMT और DCA जो सिस्टम है उसमें ही वो सारे फीचर्स आएंगे साउंड वाले। सेटिंग्स में वापस आता हूँ मैं। कनेक्टिविटी, ड्राइवर असिस्टेंस में ऐसा कोई तोड़ ड्राइवर असिस्टेंस फीचर नहीं है, एडास फीचर्स नहीं है, जो पार्क असिस्ट है उससे रिलेटेड सारे फीचर है कि आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह ऑन करने नहीं करने। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ये एक एक्चुअली ठीक चीज़ है, जब भी आप इंडिकेटर प्रेस करेंगे तो आपको साइड की चीज़ें दिखेंगी। थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम क्या है वो अभी मैं ड्राइव करते हुए बताता हूँ, बट ये एक वेलकम फीचर है, अच्छी चीज़ है, टाटा ने ये फीचर यहाँ पे दिया है। उसके बाद में वापस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सेटिंग्स में ऐसे नहीं बची है जो मैंने बाकी छोड़ी हो। वॉट थ्री वर्ड्स वगैरह जो है वो इनबिल्ट नेविगेशन है, मैं आपको उसमें एक क्विकली एक बार दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं। वो इनबिल्ट नेविगेशन वगैरह है, अगर आप एंड्रॉइड ऑटो पे, आप एक तो कुछ पॉइंट पे बहुत धीरे चलती है स्क्रीन, कभी कभार कुछ चीज़ें दबाने पर कभी कभी सही चलती है, तो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी उन मामलों में है ही। यहाँ पे आपको जो है कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि डेटा वेटा क्या, नेटवर्क वगैरह कितना आ रहा है, और वायरलेस चार्जिंग हो रही है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई ना कोई डिवाइस वायरलेस चार्जिंग पे लगा हुआ है। ये चीज़ें हुई, उसके बाद में बात आती है कि भैया कैसी, थोड़ा सा वापस मैं एडजस्टमेंट यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद में बात आती है कि कैसा आपको बाकी चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ सॉफ्ट टच टाइप ऑफ फील दी गई है, अच्छी लग रही है वो फीलिंग। ये भी टेक्सचर जो है बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे AC वेंट्स है, ये आपके पास में सेम तरीके का बटन जो दिया गया आपको स्टार सॉफ्ट, और ये थोड़े टाइम में डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ कलर जो है उतरने लगेगा अगर टाटा ने काम नहीं किया हो, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी टाटा की गाड़ियों में देखा और वो प्रॉब्लम जो है हमने नोटिस की है कि इसका कलर थोड़े टाइम में उतर जाता है। एनीवे, एक और नई चीज़ जो आई है वो आई है यहाँ पे। अब ये जो आप देख पा रहे हो पूरी तरीके से टच बेस्ड कंट्रोल है, बस दो ही चीज़ें जो है नॉन टच में दी गई है, वो टॉगल बटन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। एक हैजार्ड लाइट का बटन जो है वो टच में नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टच में दिया गया है। लॉक अनलॉक जो है वो टच में यहाँ पे दिया गया है, ये बूट अनलॉक करने के लिए, ये फॉग लैम्प जो है दिखाने के लिए। फॉग लैम्प का बटन जो है वो भी यहाँ पे नहीं दिया जाना चाहिए था। हैजार्ड और फॉग लैम्प, ये दो या तो प्रॉपर बटन होने चाहिए थे या टच में नहीं होने चाहिए थे, वो थोड़ी सी चीज़ ऐसी है। बट उससे ज़्यादा अब कई लोगों को होता है कि वो AC के कंट्रोल को टच में अच्छा नहीं मानते हैं, मैं भी उन लोगों में से हूँ। बट अच्छी बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे जो क्रिटिकल फंक्शन है, मतलब बेसिकली अगर आप चलती गाड़ी में भी AC एडजस्ट करना चाहो तो आप क्या करोगे, ब्लोअर या फिर टेम्परेचर एडजस्ट करोगे, वो इन्होंने यहाँ पे जो है कंट्रोल दिया है। और जैसे ही आप एडजस्ट करते हो आपको यहाँ दिखाता है कि क्या टेम्परेचर जो है कब हो रहा है। ऑटो आप दबाइए, बाकी काम आपका सिंपली हो जाएगा। लेकिन अभी मैं वापस जो है ब्लोअर नीचे करता हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ वो करेगा। मैक्स डिफॉगर और ये एक्सप्रेस कूल का बटन जो है वो भी यहाँ पे दिया है, दबाते ही AC फुल ब्लास्ट पे चलने लग जाता है। नीचे आपके पास में थोड़ा और स्पेस यहाँ जरूर है, जिसमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट और USB-C और USB-A जो है दोनों दी गई है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपके पास में 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है, जो पेट्रोल बेस है उसमें 5 स्पीड का ट्रांसमिशन भी मिलेगा, और डिसेंट मतलब जो ओवरऑल फीलिंग वगैरह जिसको पकड़ने की वो यहाँ आ रही है। सिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट, जो भी मोड चूज़ करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ये अगेन सिमिलर टाइप का हैंड ब्रेक यहाँ पे है। वायरलेस चार्जिंग जो है वो यहाँ पे आपको दी गई है। थोड़ा सा कभी स्पेस यहाँ पे है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक ठाक है। और एक चीज़ ये है कि मैं आपको बता ही रहा था कि थोड़े थोड़े एजेस वगैरह जो है उतने शार्प नहीं है, उतने शार्प है तो उतने मज़ेदार नहीं है। प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी डिसअपॉइंट सी करती है। यहाँ पे ये खोलो आप,
काफ़ी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक एरिया दिया गया है, हालांकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बन रखी है, बट ये क्या काम किया मुझे एक्सप्लेन करो। यहाँ पे कप होल्डर का क्या काम है, और यहाँ पे कुछ रख भी नहीं सकते क्योंकि आप ऐसे रखोगे तो वो ऑब्वियसली अंदर जो है मतलब नीचे आगे स्लाइड हो जाएगा। बट कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि पेन यहाँ होल्डर है तो आपका कभी घूमेगा नहीं, यहाँ पे टिकट होल्डर टाइप चीज़ें दी गई है, और यहाँ पे एक मतलब काइंड ऑफ लैपटॉप, बड़ा तो नहीं बट टैबलेट, काफ़ी काइंड ऑफ चीज़ रख सकते हो, और नहीं रखनी है तो आप ऐसे बाहर निकाल के स्पेस को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। और ये कूल्ड जो है वो डेफिनेटली है ही, तो वो भी एक अच्छी चीज़ के बारे में हो गई। उसके बाद में ये हमने किया बंद, और क्या चीज़ें बची, हम बात करते हैं अब सीट्स के बारे में। देखो सीट्स जो हैं वो बदली गई हैं, उसमें भी नयापन जो है यहाँ पे आया है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, सीट जो है वो बदली है, उसकी बोस्टिंग वगैरह बदली है। एक बार की बैठने पर जो है आपको सीट छोटी लग सकती है, नैरो लग सकती है, आपके दोनों साइड में ये चीज़ टच होंगी, बट ऐसे मैं अभी गाड़ी में काफ़ी टाइम से बैठा हूँ और अब ऑनेस्टली ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक टाइप नहीं लग रहा है, तो मैं उसके बारे में कंप्लेन नहीं करूँगा। बट मैं 5'8" का ही हूँ, तो मेरे से बड़ा अगर कोई होगा तो उसको शायद प्रॉब्लम जो है वहाँ पर आ सकती है। अच्छी बात क्या है, को ड्राइवर को भी हाइट एडजस्टमेंट मिलता है सीट में, देख पा रहे हो आप, हाइट एडजस्टमेंट जो यहाँ पे हो रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पे टाटा ने दिया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपके पास में एक और ऑब्वियसली वेंटिलेशन उसमें मिलता ही है, और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि इलेक्ट्रिक सीट जो कि वेन्यू वगैरह में आती है उससे बेटर है कि सीट वेंटिलेशन जो सोनेट या टाटा नेक्सॉन में आई है वो ज़्यादा बेटर काम की चीज़ है। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक सनरूफ, खोल लेते हैं भैया, सनरूफ जो है वो डिसेंट वाइड खुलती है और वापस जो है वो बंद भी एक टच में आती है, बस ये है कि आपको ये थोड़ा सा मैन्युअली आगे बंद करना पड़ता है। उसके बाद में SOS बटन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है इन केस आपको काम में लेना हो तो। यहाँ पे आपके पास में लाइट जो है वो दी गई है, LED लाइट्स, अच्छी खासी ब्राइट लाइट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बटन भी काफ़ी सही फीलिंग से दब रहे हैं। यहाँ पे SOS का बटन वगैरह है, और ये आपके पास में हल्का सा ग्रिल टाइप क्यों दिया है, आई थिंक यहाँ पे माइक्रोफोन ही होगा, उसके अलावा कुछ स्पीकर टाइप चीज़ नहीं है, ये सिर्फ माइक्रोफोन के हिसाब से दिया हुआ है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इधर हो सकता है, कोई वैनिटी मिरर, वैनिटी लाइट जैसी कोई भी चीज़ नहीं, इनफैक्ट ये हार्डली कोई काम आता है क्योंकि ये नीचे की तरफ हो जाता है, जिस तरीके का शेप है गाड़ी का, शेप के बारे में भी पीछे सीट पे जाके भी बात करूंगा एक बार और, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है, कुछ खास काम इधर नहीं आता है, बस यहीं जो है ये काम आता है। जो पैसेंजर है उसको एक वैनिटी मिरर डेफिनेटली यहाँ पे दिया जाता है, ये थोड़ा सा ना ये फ्लिम्सी है, ये देख रहे हो यहाँ पे इसके लगने का तरीका ही थोड़ा टेढ़ा सा है, तो ये बाहर निकल जाता है इजीली, ये पिछली गाड़ी में भी निकल रहा था। एनीवे तो अभी जो है मैं करता हूँ सीट एडजस्ट अपने हिसाब से, और मैनुअल वेरिएंट में मैं हूँ, और मैंने अपने हिसाब से एक्चुअली ये मैंने अपने हिसाब से कर ली है सीट एडजस्टमेंट, और मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे, कैसी क्या चीज़ें मुझे पीछे फील हो रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये टाटा ने एक बैज लगाया, 50 लाख गाड़ियाँ उन्होंने बेची है 25 सालों में, हर साल 2 लाख के आसपास गाड़ियाँ टेक्निकली एवरेज निकल रहा है। 1998 से वो शुरू हुए थे, 2023 में वो पहुँच गए, ये उन्होंने बताया। शार्क फिन एंटीना जो है वो वहाँ पे दिया जाता है। पीछे स्पेस कैसा है, तो पीछे स्पेस एक्चुअली पीछे की सीट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सीट लगी मुझे पीछे की, ये बहुत बढ़िया मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। मैं बैठा ही नहीं पीछे, ऐसा कैसे हो गया, मैं यूजुअली बैठ जाता हूँ बट मैं पीछे अभी शायद फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, ये वीडियो शूट करते हैं, मुझे काफ़ी देर हो गई गाड़ी के इर्द गिर्द, बट हाँ यहाँ पे अच्छा खासा थाई सपोर्ट जो है वो मुझे फील हो रहा है। हाँ थोड़ा स्पेस आप कह सकते हो कि कम यहाँ पे लगेगा, जो 6 फुट के बंदे उनको शायद ऑलमोस्ट टच भी होने लग जाए, बट मेरे ख्याल से 5'8" का मैं हूँ, नीचे इस पाँव रखने के हिसाब से, या फिर इस सीट का थाई सपोर्ट हुआ, या फिर ऊपर यहाँ पे स्पेस, तो बहुत सही स्पेस मुझे लग रहा है। बट स्ट्रिक्टली 4 ही लोगों के लिए गाड़ी है, इनफैक्ट टाटा ने भी हेडरेस्ट जो है बीच में नहीं दिया है यहाँ पे, और सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर आपको 3 पॉइंटर 3 जनों के लिए दिए हैं पीछे, बट हाँ 4 लोगों के लिए ही है, मतलब पीछे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा बैठेगा तो उतना कम्फर्टेबल नहीं होगा। यहाँ थोड़ा आर्मरेस्ट है, यहाँ पे कप होल्डर जो है वो दिए गए हैं, यहाँ पे भी ये आपको दिया गया है, इसी जो दूसरा वेरिएंट है उसमें ऑल पर्पल है, अभी अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको उसके बारे में भी, बट ये सीट जो है हाइट एडजस्टेबल भी है। अब मैं बात कर रहा था शेप वेप की, तो देखो सीन क्या है ना, यहाँ पे ये स्कूप दिख रहा है आपको, ये स्कूप निकाला हुआ है काफ़ी अंदर गहरा सा, तो जो 6 फुट के बंदे हैं उनको ना 2 प्रॉब्लम आएगी, एक गाड़ी जो है इस तरह ऐसे ऐसे अंदर झुक के ऐसे काफ़ी ऐसे कर्व करती हुई है, जो बाहर की डिज़ाइन है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक बना सकती है, ये ओवरऑल ब्लैक रूफ और जिस तरीके से जैसे अगर कोई यहाँ बैठा हो तो उसके सामने थोड़ी सी रूफ जो है आ जाती है, तो वो सब चीज़ें हल्की सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कुछ लंबे लोगों के लिए अगर वो पीछे बैठे, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता 4 लोगों के लिए और बीच में एक छोटा सा बच्चा भी बैठ जाए तो उनको कोई खास प्रॉब्लम होने वाली है। एक और चीज़ पीछे अच्छी है, इस इवेंट के साथ साथ में आपको एक टाइप सी और एक टाइप ए जो है वो देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे एक और है। हाँ बॉटल रखने का स्पेस भी है आपके पास में, लेकिन इस तरीके से रखा जाएगा, पीछे की तरफ जाता है थोड़ा सा, इधर आपके पास में ऊपर मतलब नीचे की तरफ जो है स्पेस बचता है, अगर आप देख पा रहे हो ये इधर ऐसे बॉटल जो है रखी जाती है, इधर कोई भी एलुमिनेशन वगैरह नहीं दिया गया बट छोटा सा कभी स्पेस
है इधर। फिर से फोन आ गया भाई। पर्पल इंटीरियर पे चलने से पहले मैं ये भी बताता हूँ, हर बार भूल जाता हूँ मैं, यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का एक और सॉकेट आपको दिया गया है, हालांकि ये बाहर सा निकल रहा है फॉर सम रीज़न, प्रॉपरली फिटेड नहीं है, बट ये 12 वोल्ट का सॉकेट जो है तीसरा सॉकेट है। मैंने आपको एक नीचे बूट में दिखाया, एक मैंने यहाँ पे दिखाया और एक जो है वो वहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया। अब मैं आपको इंटीरियर दूसरा दिखाता हूँ। ये लो जी पर्पल इंटीरियर है यहाँ पे, पर्पल इंटीरियर जो है पूरा मैं दिखाऊंगा आपको। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट, जो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक था वो यहाँ पे पर्पल जो है वो गया है, ये आवाज़ क्यों करी गाड़ी। यहाँ पे जो है पर्पल इंटीरियर पूरी तरीके से, मतलब हर जगह पर्पल, यहाँ पे ब्लैक दिया गया है, ऊपर की तरफ ब्लैक है और साथ ही में यहाँ पे भी जो है पर्पल कलर का इस्तेमाल किया गया है। अब ये फियरलेस पर्सोना जो यहाँ पे कहा जा रहा है इसको, बड़ा ही अजीब डिवाइडेशन वगैरह है, थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा, बट आप तो ये समझ लो कि ये इंटीरियर कलर और यही एक्सटीरियर कलर है। थोड़ा सा इंटीरियर और एक्सटीरियर कलर के टोन का थोड़ा सा फर्क है, एक्सटीरियर में डार्क आपको हल्का सा पर्पल मिलेगा, बट मैं आपको दिखाई देता हूँ ना बाहर से इस तरीके से लगता है। एक्चुअली एक्सटीरियर वाला अच्छा लग रहा है ओवरऑल, वैसे मतलब मैंने पहली बार जब फोटो वोटो में देखी थी तो मुझे और लगा था, मैंने कहा यार ये कैसा कलर है, बट अब जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे उतना और नहीं लग रहा है। ये इंजन हल्ला कर रहा है, ये वाला नहीं, ये डीजल वाला बहुत आवाज़ करता है ये बाहर की तरफ। बट एनीवे, यहाँ पे जो है अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लगे हाथ, वो ये कि थोड़ा सा स्पेस जो है वो ये ईट अप कर लेता है JBL का स्पीकर जो मैं आपको दिखा रहा था, और जो JBL की सेटिंग है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये टॉन्ट 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 जो आवाज़ अंदर आ रही है, आई डोंट नो आपको आ रही नहीं आ रही, बट ये गाड़ी पास में खड़ी है उसकी आ रही है, पास में ये जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है फ्रंट पार्किंग सेंसर के थ्रू। तो अब जो है अंदर की तरफ यहाँ पे कुछ सेटिंग्स भी एक्स्ट्रा है JBL की स्पेसिफिकली, ये हमने यहाँ पे आओ देखो ये थोड़ा सा स्लो है, ये करती है काम, ये देखो JBL मोड्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा मोड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिस वाले मतलब ऑटोमेटिक में जिसमें सब वूफर एक्स्ट्रा आता है तो वो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, उसके अलावा हर एक चीज़ सेम है। और ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पर्पल कलर का इस्तेमाल किया गया, ये वाला पर्पल तो हमें उस गाड़ी में भी देखने को मिल रहा था जो डीजल है उसमें। और तो क्या बाकी बचा भैया, यही चीज़ें थी अलग अलग जो मुझे आपको पता नहीं थी। अब एक काम करते हैं, ड्राइव करते हैं, पहले यही ड्राइव कर लें, चलो यही ड्राइव करते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मैं वीडियो के इस पार्ट को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि जो पहले मैंने रिकॉर्ड किया था वो पेट्रोल ही गाड़ी थी, बट वो गाड़ी अलग थी, उसमें कुछ कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो मेरे को डबल श्योर होना था कि क्या ये इश्यूज सिर्फ मेरी यूनिट में है या और किसी भी गाड़ी में भी है, तो उसके लिए मैंने जो है दोबारा रिकॉर्ड किया। ये देखो फिर से दब गया, तो उसके लिए मैंने जो है दोबारा जो है रिकॉर्ड में ये कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, पुरानी नेक्सॉन के मुकाबले इस नेक्सॉन में जो चीज़ें जिस तरीके से रियर से लगती है, ये वाली थोड़ी बेटर तो लगने लगी है, ये मेरे को उस वाले नेक्सॉन को देख के फिर से लग रहा है। एनी विच वे, शुरुआत करते हैं। पेट्रोल इंजन है, 120 PS की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है, सॉरी 260 नहीं 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है, 260 डीजल का निकालता है, डीजल का 115 260 है, इसका 120 170 के आसपास है, 120 PS 170 NM। इंजन ऑप्शंस मल्टीपल अवेलेबल है, इंजन ऑप्शन एक ही अवेलेबल, लेकिन गियरबॉक्स ऑप्शन मल्टीपल है। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन है लोअर ट्रिम में, 6 स्पीड का है बाकी ट्रिम्स में, 6 स्पीड AMT भी अवेलेबल है और आपको 7 स्पीड का ये DCA ट्रांसमिशन जो अभी मैं चला रहा हूँ ये भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले विजिबिलिटी वगैरह क्या कुछ कैसा लग रहा है। देखो विजिबिलिटी वाइज सीन क्या है ना कि गाड़ी में एक तो देखो ओवरऑल जो ORVM IRVM दिए उनसे कोई भी दिक्कत नहीं है, उनसे अच्छी खासी विजिबिलिटी गाड़ी की आती है, कोई इशू वहाँ पर नहीं है। जो ग्लास एरियाज हैं वो भी बड़े हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आने लगती है कि जब भी आप ये देखते हो चंकियर बी पिलर, मतलब बहुत ज़्यादा ए पिलर, बहुत ज़्यादा मोटा ये ए पिलर है। मुझे लगा था टाटा इस पर काम करेगी, पुराने वाले नेक्सॉन के साथ में भी इशू था बट काम नहीं किया गया, थोड़ा सा इसको कहा वैसे राउंड जरूर दिया गया है बट फिर भी ये जो है अभी भी काफ़ी सारी विजिबिलिटी रोक लेता है। डजेंट मीन कि ए पिलर मोटा है इसीलिए नेक्सॉन इतनी सेफ कार है, नहीं, बिना ए पिलर मोटा किए भी गाड़ियाँ सेफ देखी है हमने और नेक्सॉन भी की जा सकती है। इस जस्ट कि ये थोड़ा सा ओवरऑल सेफ्टी रिड्यूस करता है, क्योंकि आप पहाड़ों वगैरह में चलाते हो तो गाड़ियाँ देखनी यहाँ पे मुश्किल हो जाती है ना। आई एम श्योर जैसे फोर्ड इको स्पोर्ट के साथ में भी था, इसमें भी है और भी कई गाड़ियों में रहा है, रेनो की काइगर वाइगर में भी है, तो कई लोग डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि ए पिलर मोटा होना जो है थोड़ी सी गड़बड़ वाली चीज़ है। एक स्टेयरिंग आप देखो हल्का सा टेढ़ा रखने पर गाड़ी सीधी चल रही है, ये उस वाली में भी था इस वाली में भी है। एनीवे उसके बाद में ये विजिबिलिटी वाइज और ऐसा कुछ इशू नहीं है, फ्रंट में 2 सेंसर दिए गए हैं, कम है बट क्या है 360 डिग्री कैमरा के साथ में मिक्स करके दिया गया, तो कोई इशू वहाँ पे जो है नहीं होता है। फिर बात आती है कि गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स वगैरह कैसे हैं। एर्गोनॉमिक्स में छोटी छोटी कई प्रॉब्लम्स आप निकाल सकते हैं, एक मैंने ये बताया अपना भी दब जाता है, अभी ऑन कैमरा दब गया था, अभी तो अभी नहीं दबा। और दूसरा जो है ये इंडिकेटर्स जो है, इंडिकेटर स्टॉक अभी भी दूर है, टाटा को डेफिनेटली ये चीज़ें
छोटी छोटी भी सेफ्टी में काउंट होती है। आई एब्सोल्युटली एग्री, और मेरा कोई मतलब वो सेकंड थॉट भी नहीं इस बारे में कि गाड़ी कितनी सेफ है कितनी सेफ नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेफ कार, प्रूव भी हो गई है और वैसे भी फील होती है मल्टीपल रीजंस की वजह से। अब तो 6 एयरबैग भी दे दिए हैं और ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो गई है, बट दैट डजेंट मीन कि छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे काउंट नहीं होती। आपको सिर्फ जो है स्ट्रक्चर मजबूत नहीं करना है, और भी कई चीज़ें, अवॉइडिंग दी एक्सीडेंट इज एक्चुअली द फर्स्ट थिंग जो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या सीन है ना कि ये पर्टिकुलर जो है दूर होने की वजह से कई लोग शायद उसको यूज़ ना करें या टाइम से, या वो सही टाइम पे इंडिकेटर क्लिक ना हो, तो वो वाली प्रॉब्लम जो है वो भी डेफिनेटली वहाँ पे आ जाती है। डेफिनेटली टाटा को उसमें देखना चाहिए। फिर ये ब्लाइंड स्पॉट चल रहा था, इसकी बात कर लूँ, जब भी अगर कोई गाना चल रहा है या कोई कॉल चल रहा है तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है उसके ये ऊपर का पार्ट ढक जाता है उससे, तो नीचे नीचे की सड़क सड़क दिखती है और कोई लॉजिक नहीं, ब्लाइंड स्पॉट दिखाता ही नहीं है, वो नीचे की सड़क दिखाता है बस। तो वो भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के थ्रू बेटर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, या फिर कैमरे का एंगल थोड़ा सा और वाइड हो जाए तो ज़्यादा बेटर वो चीज़ हो सकती है। एनीवे, उसके बाद में बात आ रही थी एर्गोनॉमिक्स की, हम बात कर रहे थे एर्गोनॉमिकली, और तो ऐसा कुछ मेरे को मेजर चीज़ हाईलाइट नहीं करनी है, मोस्टली चीज़ें सॉर्टेड सी ही है गाड़ी के साथ में। हाँ, एक और प्रॉब्लम है वो ये कि मैं जानबूझकर एक तो सिटी के अंदर चलाया हूँ कुछ कुछ चीज़ें बताने के लिए। एक और प्रॉब्लम ये है कि ड्राइविंग कम्फर्ट में ओवरऑल सीट एक बार की बैठने पर छोटी लगती है जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, लेकिन वो मुझे हर बार फील हो रहा है, लेकिन मैं अभी तक इस गाड़ी में 6-7 घंटे से बैठा हूँ इसमें डीजल में और जो दूसरी वाली पेट्रोल उसमें, मुझे किसी भी तरीके की थकान वकान टाइप या वो सीट प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही है। तो एक बार कि आप उस पर बैठो आपको छोटी लग सकती है, आपको लग रहा होगा कि एक सीट साइज से टच हो रही है, बट जैसा मैंने बताया कि मुझे बढ़िया संगीत चल रहा है मधुर में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मोस्ट लाइकली आपकी भी फीलिंग वही होगी थोड़ी देर बैठने के बाद में। हाँ, अगर आपकी साइज़ ज़्यादा बड़ी है मेरे से तो आपको शायद कुछ अलग फील आ सकता है, तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो मुझे बताना कि कैसा एक्सपीरियंस हुआ सीट के साथ में। ओवरऑल सीट वेंटिलेशन वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहा है सीट का, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे हुई है। सीट वेंटिलेशन से याद आया कि मैं सीट वेंटिलेशन चालू कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी स्वेटिंग हो रही है, तो चीज़ें। हाँ, सीट वेंटिलेशन का कोई इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे, चल रहा है नहीं चल रहा, आप बंद करते हो चालू करते हो सब वहीं से हो जाता है जहाँ से होना होता है, तो वो एक चीज़ जो थोड़ी सी ऑड लग सकती है, कैसे ये कनेक्टेड नहीं है इस स्क्रीन से, इतनी बड़ी स्क्रीन से। बट हाँ, स्क्रीन्स वगैरह, और एक तो मैंने बताया कि मल्टीपल फेलियर और वो चीज़ें थी, ट्रांसमिशन मैलफंक्शन करके एक वार्निंग आई थी, उस वाली में आई थी, इसमें नहीं आई है अभी तक। बट इसमें और उसमें दोनों में ये वाली बीच वाली स्क्रीन जो है वो एक बार की ब्लैंक हो चुकी है, तो वो चीज़ हमने देखी है, तो है अभी भी निगल्स रहेंगे। और जो डीजल था उसमें बटन होल्ड होता जा रहा था, और ये नीचे वाले बटन जो है ये निकलते जा रहे हैं, देखो आप, मतलब सिंपली गिर जा रहा है, दो गाड़ियों में ऐसा हो गया है। तो वो चीज़ें कुछ कुछ जगह प्लास्टिक और इन सब चीज़ों में रिफाइनमेंट अभी भी ज़रूरत है। बट बात करते हैं कि गाड़ी की राइड क्वालिटी और हैंडलिंग कैसी है। राइड क्वालिटी वगैरह जो है इसका मतलब, एक्चुअली पहले इंजन की बात करते हैं, इंजन कैसा चल रहा है। तो इंजन जो है वो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो है, 3 सिलेंडर, हल्का सा चालू होती है, एक हल्की सी वाइब आती है जो जैसे हिलता है, वाइब्रेशन दे, वो पहले भी थी अभी भी रही है। वो हमने इसका AMT या मैनुअल नहीं चलाया है, चलाने में तो ऐसे वो नया नहीं है, वो पहले जैसा ही है, बट जो 5-speed मैनुअल है जो कि बेस स्ट्रीम में आता है, वो डेफिनेटली जब मिलेगा तो मैं चलाऊंगा, क्योंकि वो नया है, वो पहले जो है मैंने नहीं देखा है, तो उसके साथ में एक नई चीज़ वहाँ पर जुड़ी हुई है। ऑल्सो जिस तरीके से इंजन ओवरऑल रिफाइनमेंट वगैरह है, कुछ उनके लेवल्स में कुछ भी चेंज नहीं है, पहले के जैसा का जैसा है। ये इंजन ओवर द टाइम हमने देखा है, थोड़े थोड़े इश्यूज इसके साथ में रहे हैं ओनरशिप में, तो कोई मेजर इशू नहीं रहा कि गाड़ी का इंजन बंद ही हो गया है ऐसा वैसा, या इंजन ख़राब हो गया है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े थोड़े रिलायबिलिटी इशूज़ निकल जरूर रहे हैं, बट अब आ गया है DCA इसके साथ में, ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक जिसको टाटा कहता है। ऑनेस्टली ये ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक किसी भी तरीके से एक्साइटिंग नहीं है भाई, इग्निस वाला क्या चाहता है, ये कुछ लोग अलग ही मतलब रोड स्टिक करके चलते हैं, अब वो देख भी नहीं रहे हैं, और क्या बात करें बताओ आपसे। एक तो वैसे ही इनकी ड्राइविंग हैबिट अनसेफ होती है, ऊपर से गाड़ी भी अनसेफ है, तो फिर वो चीज़ें जो है और गड़बड़ हो जाती है। एनीवे, तो बात ये कि मैं क्या बात, हाँ, DCA जो है वो चलाने में उसमें कुछ फन नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्यों कोई AMT के ऊपर इसको लेगा, जब ये बिहेव AMT की तरह करता है, थोड़ा सा लथार्जिक है, थोड़ा वो मज़ा जो है इसमें कम आता है। हाँ, AMT में जो गियर शिफ्ट के हेड नॉट आते हैं वो इसमें नहीं आते हैं, वो अच्छी चीज़ इसके बारे में है, बट उसके अलावा ऐसा जो है कोई भी इशू नहीं फील होता है कि मतलब उसके अलावा ऐसे कोई फन फील नहीं होता है कि किसी तरीके का कि हाँ चलाने में मज़ा आ जाए या फास्ट शिफ्टिंग है। एकमात्र टाइम ये भी ढंग से शिफ्टिंग करता है जब आप 0-100 करके देखते हो कि या एकदम से थ्रॉटल प्रेस करते हो, तब ये जरूर फटाफट अप शिफ्ट करता रहता है, अदरवाइज ये कभी भी फास्ट शिफ्टिंग वगैरह नहीं करता है, तो वो भी मज़ा जो है वो इसका थोड़ा सा अलग हुआ है ये चीज़ें।
मैग्निस को बोल रहा था ट्रक वगैरह तो कभी हटते ही नहीं है, तो उनका तो कुछ है ही नहीं। अब ये गाड़ी भी देखो फास्टली निकली है, क्या करें। एक तो ये जो चाइम है इंडिकेटर की, ये क्या सिस्टम, पिंग 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 पिंग, एयर क्वालिटी पुअर है तो उसके लिए वार्निंग देने की क्या जरूरत है, मैं क्या करूँ उसमें पुअर तो भाई। एक तो ये जो चाइम है इसकी इंडिकेटर वाली, वो इनकंसिस्टेंस है, टक 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 ऐसे ऐसे कर दिए, अनोइंग हो जाता है कई कई बार, बट ठीक है इंडिकेटर बंद कर दो कि आप अनोइंग होगा तो, बट हैजार्ड लैंप जला के अगर आप कहीं खड़े हो तो फिर अनोइंग हो जाता है। एनीवे हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे पेट्रोल इंजन वगैरह के बारे में। हाँ, उसके बाद में DCA जो है वो ओवरऑल वैसे रिलायबिलिटी वगैरह भी जो है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है इसी पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में, उस मतलब इससे पहले वाली गाड़ी के साथ में ट्रांसमिशन इश्यूज आए थे, उसी गाड़ी में जो है ये ड्राइव में शिफ्ट नहीं हो रहा था न्यूट्रल से, दबा भी दिया। प्रेस ब्रेक एंड अनलॉक, वही तो कर रहा हूँ। ब्रेक दबा हुआ है, ये दबाया तो है इश्यूज, उनको आयरन आउट करना पड़ेगा ओवर द टाइम, बट आई डाउट DCA उतना बिकेगा भी नहीं, तो आई थिंक जो भी लोग खरीद रहे हैं आप अवॉइड ही करो DCA से, उतना मजा नहीं है, आप पैसे भी एक्स्ट्रा पे करोगे, इससे बेटर है आप AMT लेके उसी से खुश रहो, ये DCA में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करो, ये मेरी राय है। इनफैक्ट मेरी राय ये भी है कि पेट्रोल में उतना इन्वेस्ट ना करो, इसमें उतना ज़्यादा कहते ना कि हैसल फ्री या मेंटेनेंस नहीं है जितना होना चाहिए एक गाड़ी का आज की डेट में, तो वाली चीज़ें हैं। बट हाँ, ये बातें हैं फिलहाल इसके बारे में, एक बार डीजल पे चल लेते हैं, वहीं बाकी बात करते हैं। ओके, तो डीजल जो है उसमें मैं बैठ गया हूँ, और जो मैंने बात बाकी छोड़ी है सस्पेंशन वगैरह की उसमें पूरी करूँगा, उसका एक रीज़न था बाकी क्यों छोड़ी थी मैंने। बट सबसे पहले क्लच जो है वो लाइट है, बट बहुत ही अजीब क्लच है। क्लच आमतौर पर ये स्विफ्ट एक्शन ऐसे दबता है, इस गाड़ी का ऐसे जाता है, यहाँ आगे ऐसे दब जाता है एकदम से, तो बाइटिंग पॉइंट के बाद में एकदम ऐसे लगता है कि जैसे क्लच का प्रेशर जो है वो खत्म हो गया है, और वो प्रॉब्लम करता है जब आप रिलीज करते हो तो एकदम से रिलीज होकर एक पॉइंट पे आके फिर झटके से रिलीज होता है, उस वजह से कई बार गाड़ी जो है पिकअप लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपके घर में एक ही गाड़ी है और आप ओवरऑल जो है ऐसे आदत आप डाल पाओगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मोस्टली लोगों को होता है, इसलिए उनको लगता है जब मैं से जैसे मैंने अभी बताया ये, कई लोग बोलेंगे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो चलाई है, मोस्ट लाइकली वो इसलिए क्योंकि आपको शायद वो एक ही तरीके की गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपकी आदत उसमें पड़ गई है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये सही तरीका है क्लच के फंक्शन का, ये एक्चुअली सही तरीका नहीं है, टाटा को इस क्लच में थोड़ी सी स्मूथनेस जो है वो लानी चाहिए। बट ये इंजन जो है, ये इंजन बहुत अच्छा है, टाटा के आई थिंक सारे इंजन में से सबसे सही इंजन जो है वो यही है करंटली। वैसे टाटा के सारे इंजन में टाटा के इंजन कौन से हैं, 1.2 जो 3 सिलेंडर पेट्रोल है वो टाटा का है, 1.5 इनका है, और तो कोई इंजन है ही नहीं आई थिंक। उसके बाद में तो बाकी इंजन तो टाटा ने एक्चुअली बोरो किए हैं, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, मेरे ख्याल से हाँ सब यही है। एनीवे वो सब बातें बात की है, फिलहाल जो है गियर शिफ्ट वगैरह सब ओके है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, और ये वाला इंजन चलता बहुत अच्छा है। फ्यूल एफिशिएंसी आपको डेफिनेटली ये ज़्यादा देने वाला है, काफ़ी ज़्यादा देने वाला है एक्चुअली। अगर आप नेक्सॉन पुरानी वाली नेक्सॉन की बात करो तो वो रफली आप 100-110 की स्पीड पे, अगर 105 लेट से अगर आप चलाते हो तो वहाँ तक वो जो है आपको अच्छी खासी 21 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर करता है, जो कि एक्चुअली बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी है, उसके बियॉन्ड फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होती है, उससे कम और ज़्यादा मिल सकती है कम चलाओगे तो। ऑल्सो आपको जो है नेक्सॉन सिटी में भी जो है नेक्सॉन डीजल बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देती है। हाँ, इसके साथ में आपको कोई भी किसी भी तरीके का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मतलब AMT मिलता है, प्रॉपर ऑटोमेटिक जो है वो नहीं मिलता है, और वो AMT अब भी आपको मिलता रहेगा। बहुत महंगी है ये गाड़ी, आपको एक शोरूम ही 14.5 लाख से ऊपर की पड़ती है, नई वाली हो सकता है 15 लाख तक चले जाए, दैट ट्रांसलेट्स टू ऑलमोस्ट 17-18 लाख रुपए ऑन रोड। इमेजिन एक छोटी सी सब 4 मीटर SUV 17-18 लाख की पड़ती है, क्या ही लॉजिक उसका रहता है। आई थिंक इसकी प्राइस पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंट्रोल जो है वो होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से होना चाहिए। बट एनीवे डीजल पॉपुलर चॉइस नहीं है, लोग नेक्सॉन में पेट्रोल ज़्यादा लेते हैं, हालांकि नेक्सॉन पेट्रोल इंजन उतना अच्छा नहीं है, बट वो रीज़न लेने का अलग अलग है, लोगों की रनिंग कम है कई जगहों पर, वो डर भी रहता है कि बैन हो जाएगा उस वजह से भी, लेकिन जिनको ज़्यादा चलना है वो आज भी नेक्सॉन डीजल लेते हैं और बहुत दबा के यूज़ करते हैं। मैंने कई हैप्पी ओनर देखे हैं नेक्सॉन डीजल के, जिनको ऐसे ज़्यादा शिकायत नहीं आई है। ऑब्वियसली वो निकनेक्स वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे
बरकरार रहेगी। जो मैं आपको पेट्रोल के साथ में बता रहा था वो ट्रांसमिशन इश्यू तो शायद नहीं आएगा क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, बट वही अगेन कभी इसकी स्क्रीन बंद होना, कभी ये स्क्रीन लैग करना हल्का सा, ये DPMS मैलफंक्शन इसमें नहीं हुआ उसमें हुआ था, तो वो चीज़ें तो अब रहेगी। और जैसे ये दबने वाला ये है इसका, तो ये अटक ही जा रहा है, ये भी एक हल्की सी प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें तो अब रहेंगी। लेकिन इंजन के मामले में इंजन थोड़ा सा ज़्यादा सॉर्टेड ये वाला है और ऑल्सो पावरफुल है बहुत, मतलब ऐसे दबा के रखो एंड जस्ट गोज बहुत ही सही इंजन जो है ओवरऑल ये मुझे लगता है। लेकिन बात करते हैं जो मैंने बात अधूरी छोड़ी थी वहाँ पे, वो ये कि गाड़ी चलने में कैसी है इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग। हैंडलिंग की मैं फिर से बात करता हूँ वहाँ पे, वजीद वो काट दूंगा मैं। हैंडलिंग देखो, गाड़ी का सिंपल सा शॉर्ट सा सीन है कि हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन किसी भी इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी की जो उतनी बढ़िया हैंडलिंग नहीं है। इट्स गुड, आपको हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी मिलती है, बट स्टीयरिंग से वो फीडबैक वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है। लाइट है स्टीयरिंग जो है इसके फेवर में काम करता है। अब जैसे मैं इस वाले गड्ढे पे जो है जानबूझकर बीच में ऐसा लाया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ फॉर सम रीज़न पेट्रोल में ज़्यादा आ रही थी, और ऐसे ही छोटे मोटे गड्ढों की आवाज़ जो है वो पेट्रोल में फॉर सम रीज़न ज़्यादा आ रही थी। पता नहीं क्यों, ऐसा होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट नेक्सॉन के सस्पेंशन सॉर्टेड रहे हैं, थोड़ा ओवर द टाइम उनमें आवाज़ आने लग जाती है, बट उसमें थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी थ्रू आउट। यहाँ पे डीजल जो है उसमें वो थोड़ा सा उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा मैंने सोचा था। टायर्स अच्छे लग रखे हैं, सस्पेंशन जो है वो लो स्पीड पे इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, डिसेंट कम्फर्टेबल तरीके से निकल जाते हैं, और साथ ही में आपको जो है हाई स्पीड पे भी ऐसे बाउंसीनेस फील जो है वो नहीं होती है। बॉडी रोल ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, बट ऐसा कंट्रोल में वो वाली फीलिंग ज़्यादा नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है गाड़ी के साथ में है कि सस्पेंशन थोड़े से ऑड अब फील ज़रूर हो रहे हैं, मे बी वो कलेक्टिवली डिज़ाइन किए जा रहे हैं ईवी और उन सबको दिमाग में रखते हुए, उस वजह से या हो सकता है यहाँ पे कुछ चेंजेस जो हैं किए गए हैं, या हो सकता है सिर्फ मैं पर्टिकुलर जो पेट्रोल कार चला रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम है, बाकी सब में सॉर्टेड रहा हो। बट ओवरऑल इट्स गुड, मतलब ऐसा कंप्लेन करने लायक ज़्यादा चीज़ें नहीं है जिस सेगमेंट की गाड़ियाँ, उस हिसाब से कोई भी ऐसे कंप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा स्टीयरिंग में वेट और बीच में थोड़ा सा एक्यूरेसी वगैरह डाल दी जाती तो थोड़ा बेटर होता, बट वो अब नेक्स्ट जनरेशन में ही जो है उन चीज़ों की मैं उम्मीद करूँगा। ब्रेकिंग अच्छी है गाड़ी की, ब्रेकिंग के साथ में कोई भी इशू ऐसे तो मुझे फील नहीं हुआ, और टाटा के साथ में मतलब ऐसा ब्रेकिंग का कोई इशू भी नहीं रहा कुछ भी। एक चीज़ की मैं बात करना भूल गया जो कि एक्चुअली बहुत ज़रूरी था, ये कि इस गाड़ी में ESP बहुत ही जल्दी और अब्रप्टली किक होता है। टाटा नेक्सॉन के साथ में एक प्रॉब्लम हमने काफ़ी टाइम से नोटिस की है, कोई भी इसका प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है, वो ये कि गाड़ी बहुत ज़्यादा रोलर इंसिडेंट सामने आए थे, बहुत ज़्यादा गाड़ियों के पलटने के जो इंसिडेंट सामने आए थे। और इस गाड़ी के साथ में भी जब हम चला रहे हैं तो मतलब जैसे मान लो अभी तो इतना स्पेस नहीं है, बट लेट्स सी आई एम डूइंग 60-70 और मैं एक टर्न पे 60-70 ही रखता हूँ अपने आप को, या लेन चेंज करने के लिए और थोड़ा सा टर्न ले लेता हूँ। आई नो उतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है जहाँ पे गाड़ी पलट जाए या उसके क्लोज भी नहीं, अनकंफर्टेबल भी नहीं होता है पैसेंजर के लिए अंदर गाड़ी में, फिर भी ESP किक हो जाता है और एक साइड ब्रेक मार के गाड़ी को सीधा करने की कोशिश करता है। वो बहुत ही अजीब लगता है ड्राइव करते हुए बीच में आता हुआ, आई डोंट नो वो क्या दिक्कत है। दोनों गाड़ियों में टेस्ट किया मैंने, पेट्रोल इसमें और पेट्रोल दूसरी वाली में भी, तो वो थोड़ा सा अगेन एक चीज़ है जो कि मैं अभी कोई स्टेटमेंट उसके बारे में नहीं देना चाहता कि बहुत बुरा है ऐसा कुछ, बट मुझे लगता है कि थोड़ा और लंबे टाइम पे चला के, एक तो टाटा की प्रॉब्लम ये भी है कि वो मीडिया को अपनी गाड़ी लंबे टाइम तक चलाने ही नहीं देते हैं, पता नहीं वो क्या हाइड करके रखना चाहते हैं या क्या मोटिव है उनका उसके पीछे, वो नहीं चलाने देते हैं मीडिया को गाड़ी लंबे टाइम तक, उनका बस ये है कि आज चला लो आप और डन करो, वैसे वाला सीन है, तो हमें ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पे हो जाती है। बट हाँ, ये चीज़ को मैं ट्राई करूँगा किसी और ओनर वगैरह से लंबे टाइम गाड़ी रख के ऐसे 1000-1200 किलोमीटर चला के, फिर मैं चेक करूँगा कि कैसा फील अलग अलग जगह पर होता है, बारिश में कैसा फील होता है और क्या ये प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है, या जैसे किक इन करता ही रहेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वाली चीज़ें देखनी है। तो जी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि टाटा की गाड़ियाँ एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ में आती हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी वो चीज़ उतनी सुधरी हुई नहीं लग रही है, हालांकि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरी थी भी नहीं क्योंकि ये जनरेशन चेंज नहीं है। नेक्सॉन का जब जनरेशन चेंज होगा तभी मेरे ख्याल से वो निगल्स, वो छोटी मोटी चीज़ें जो है क्लियर होगी, तब तक क्या पता EV का ज़माना आ जाए और ज़्यादा निगल्स वैसे उसमें रहे नहीं, हालांकि अभी तो नेक्सॉन EV में भी काफ़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है। खैर, उन सबको साइड में रखते हैं, फीचर्स जो हैं जो अपडेट किए गए हैं वो फीचर्स हैं जो कि एक्चुअली बहुत सारी जनता को चाहिए थे। नेक्सॉन को वो काफ़ी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, काफ़ी फीचर लोडेड बनाते हैं। सेफ्टी के लिहाज से गाड़ी पहले से भी स्ट्रॉन्ग थी, तो अभी 6 एयरबैग हो गए हैं तो और ज़्यादा जो है एनहेंसमेंट ही वहाँ पे हुआ है, उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि क्रिटिसाइज़ की जाए या जो मैं आपको खोज के बताऊँ कि भैया ऐसा ऐसा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि
प्राइस पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नेक्सॉन पहले से महंगी आती थी। अगर आप देखो तो नेक्सॉन सबसे सस्ती रेंज से स्टार्ट होगी, सबसे महंगी होने वाली गाड़ियों में से एक है, स्पेशली इसका डीजल वेरियंट। और जो पेट्रोल है वो 13 लाख 20 हज़ार के आसपास एक शोरूम करता था, अब वो बढ़ के आई थिंक 14 लाख के आसपास चला जाएगा। मैं गाड़ी में ओवरऑल जो अप्रिसिएशन है वो 60-70 हज़ार का ही मान रहा हूँ, उससे ज़्यादा टाटा को प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए, उसी के लिहाज से ही प्राइस बढ़ानी चाहिए। इनफैक्ट अगर टाटा उससे भी कम प्राइस अगर बढ़ाए तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल जो है कस्टमर्स के लिए और टाटा के लिए दोनों के लिए हो सकता है। फिलहाल बात यह है कि लोअर ट्रिम मुझे इसको चला के देखना है, फंडामेंटली सेम ही होगा, मतलब चलने वाले के हिसाब से सेम ही होगा, बट उसमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है, कैसे ऑफर की जाती है, वो भी एक देखने में इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो जब भी देखेगा मैं आपके बारे में वीडियो बना दूंगा आपके लिए उसके बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।